हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी एआरजे एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉयलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है और गोकू काफ़ी तेज़ी से उस डीवन को एक दूसरे प्लेनेट की तरफ लेकर जा रहा होता है। गोकू का रेड ऑरा आसमान में पूरी तरीके से फैल जाता है और गोकू की तेज़ी ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड के बराबर होती है। गोकू उस डीमन को एक और राइड पर लेकर जा चुका होता है और गोकू बोलता है कि अब आओ भी डीमन, क्या बस इतना ही दम है तुम में? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुझे रोक के दिखाओ। पर वो डीमन गोकू को रोक नहीं पाता और गोकू एकदम से उस डीमन को दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाकर पटक देता है। जैसे ही गोकू उस डीवन को दूसरे प्लेनेट पर पटकता है, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ होता है कि चारों तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स और प्रेजेंट ट्रंक्स इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। वेजिटा आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि कैकारोट, क्या तुम पागल हो चुके हो? उसने बस गोटेन का नाम लिया और कैकारोट एकदम से ट्रिगर हो गया और किसी बेवकूफ़ बच्चे की तरह कैकारोट लगातार पावर अप करता रहा। अभी के लिए तो कैकारोट का ये पावर अप काम कर रहा है, पर अगर वो इसी तरीके से लड़ता रहा तो वेजिटा का कहने का मतलब ये है कि वो डीमन गोकू को उकसा रहा है, जिसके वजह से गोकू इस लड़ाई से अपना ध्यान खो रहा है। इस चीज़ को फ्यूचर ट्रंक्स भी समझ जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ फादर। अभी गोकू जिस एनर्जी को शो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एनर्जी लूसिफ की है। अगर वो इसी तरीके से इस एनर्जी को रिलीज करता रहा तो शायद वो हमेशा के लिए बदल सकता है। हो सकता है कि वो गोकू ना रहे जिसे हम जानते हैं, पर चाहे जो कुछ भी हो, हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। हमें पैनी नज़र रखनी होगी इस लड़ाई पे। जैसे ही फ्यूचर ट्रंक्स का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही फ्यूचर ट्रंक्स और वेजिटा एकदम से गायब हो जाते हैं और वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे, जिस प्लेनेट पे गोकू और वो डीवन अभी लड़ाई कर रहे हैं। इसके कुछ देर बाद गोकू बोलता है कि मैंने कहा था तुमसे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, अब तुम्हारी मौत आ चुकी है डीमन। गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और गोकू के गुस्से के वजह से गोकू की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। गोकू इस वक्त उस डीमन के ऊपर बैठा हुआ होता है और गोकू का हाथ उस डीमन के गले के ऊपर होता है और गोकू अपने हाथों से उस डीमन के गले को दबा रहा होता है, पर इसके बावजूद उस डीमन को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो डीमन अब भी होश में होता है। वो डीवन बोलता है कि सन गोकू, तुमने मुझे एक और राइड दे दिया। तुम्हारे साथ एक और राइड करके काफ़ी मज़ा आया और इसी के साथ मैंने ये भी देख लिया कि किस चीज़ के बारे में बात करने से तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। पर सन गोकू, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये सब कुछ करने के बावजूद तुम गोटेन को ज़िंदा नहीं कर सकते हो? जैसे ही वो डीवन ऐसा बोलता है, गोकू किसी चीज़ को नोटिस करता है। गोकू बोलता है कि तुम, गोकू देखता है कि वो डीमन गोकू के सामने से गायब हो रहा होता है और वो डीमन किसी तरीके से अपने आप को लिक्विड लाइक चीज़ में बदल रहा होता है, जिस तरीके से मडारा किया करता था। और जैसे ही गोकू इस चीज़ को देख लेता है, गोकू भी समझ जाता है कि आखिर ये किसकी टेक्निक है। गोकू बोलता है कि ऐसा तो बिल्कुल मडारा किया करता था। गोकू को एकदम से 5 of the strongest की याद दिला देता है वो डीमन और देखते ही देखते वो डीमन एकदम से गायब हो जाता है और वो डीमन एकदम से अपीयर होता है गोकू के ऊपर। और जैसे ही गोकू आसमान की तरफ देखता है, वो देखता है कि उस डीवन के हाथ में एक एनर्जी अटैक आ चुका है। उस डीवन ने काफ़ी तेज़ी से अपने हाथ में एक एनर्जी बॉम्ब बना लिया होता है और वो डीवन इस अटैक को शूट करने वाला होता है गोकू के ऊपर। और जैसे ही वो डीवन इस अटैक को शूट करता है गोकू के ऊपर, वो डीवन बोलता है कि 50%। जैसे ही वो डीवन 50% बोलता है, उस डीवन की एनर्जी दुगनी हो जाती है, जिसका एहसास गोकू को हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या? और देखते ही देखते वो एनर्जी अटैक काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो गोकू को एकदम से घेर लेता है। उस एनर्जी अटैक के बीच में होने के बावजूद गोकू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है डीमन, क्या तुम मुझे इस अटैक से रोक सकते हो? गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। यह एक्सप्लोजन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी बड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि गोकू का खात्मा हो चुका है। वो डीमन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस अटैक से बच पाओगे? सन गोकू, मेरी इतनी पावर ही काफ़ी है तुम्हें हराने के लिए। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी एकदम से उस धूल और धुएं के बीच से गोकू आता है। गोकू बोलता है कि ड्रैगन फिस्ट, और गोकू ड्रैगन फिस्ट अटैक देने वाला होता है उस डीवन के ऊपर। इस चीज़ को देखकर वो डीवन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो डीवन बोलता है कि क्या तुम अब भी मेरा मुकाबला कर सकते हो? ये तो बिल्कुल ही बेकार है। गोकू काफ़ी तेज़ी से उस डीवन की तरफ बढ़ रहा होता है और गोकू जाते जाते ड्रैगन फिस्ट अटैक की एनर्जी अपने फिस्ट के अंदर भर लेता है, जिस चीज़ को वो डीवन भी समझ जाता है।
और वो डीवन भी काफ़ी तेज़ी से अपने फिस्ट के अंदर एनर्जी भर के गोकू की तरफ आ रहा होता है और देखते ही देखते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।